हेलो चिल्ड्रन, लास्ट टाइम वी आर डूइंग अबाउट द लॉ ऑफ मास सेक्शन की ए और बी जो है दे आर फॉर्मिंग द प्रोडक्ट. सो रेट क्या है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आ गया हमारे पास. के इज नोन एज द रेट कांस्टेंट. दिस इज नोन एज रेट कांस्टेंट. अब हमारे पास जो है इफ दोनों में हमारे पास इस रिएक्शन में ए और बी की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम यूनिटी बना दें, वन बना दें, ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा? K into molar concentration of A is 1, B is 1. So it means this is equals to K. So we can define the rate constant then. That rate of a reaction when the molar concentration of each of the reactant is unity. यही हमारे पास definition हो गई, यही हमने लिखा इसमें कि rate constant क्या है, कि rate of a reaction when the molar concentration of the reacting species is unity. ठीक है. Now, what are the characteristics of rate constant? Rate constant की characteristics क्या है हमारे पास? First of all, it's a measure of the rate of a reaction, right? ज़्यादा जो है हमारे पास, जितनी ज़्यादा value होगी rate constant की, उतनी ज़्यादा rate of a reaction भी होगा, fast होगा हमारे पास, ठीक है? Different reactions, they have different value of K, obviously. Fixed temperature के ऊपर जो है K की value constant होती है किसी भी reaction के लिए, right? And it changes with the temperature. And it is independent of the concentration. अब ये तो हमारे पास characteristics आ गई rate of a rate constant की. Now what is the difference between rate constant and rate of a reaction? ठीक है जी. ये जो है this measure the speed with which the reactant is converted into product and it is measured as the decrease in concentration of reactant and increase in the concentration of the products, right? We have written, भी हमने किया है rate is equals to minus delta R upon delta T or positive delta P upon delta T. This is the average rate of a reaction जो हमने करा. Reaction rate constant क्या है? This is the proportionality constant. It depends upon the initial concentration. जितनी ज़्यादा concentration होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास rate of a reaction होगा. It is independent of the initial concentration of the reactants. This is independent. इसकी units क्या है? Moles per liter per second. ये हमेशा यही होगा. Change in the concentration upon the time. Molar concentration. Moles per liter upon time आ गया seconds. Moles per liter per second. और इसकी units पे depend करती है order of a reaction that we will do in the next topic. हमारे पास आ जाएगा तब हम करते हैं इसमें order of the reaction क्या है. ठीक है. For example, consider a reaction. A, इसकी stoichiometric coefficient A है, B है, C है, D है. A, B, C, D सारे हमारे पास stoichiometric coefficient है. Rate expression क्या है हमारे पास? Now, rate law और mass action में difference क्या है? Law of mass action. There are two laws. Rate law and law of mass action. रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? अगेन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज टू द पावर ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड दीज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स दे मे और मे नॉट बी इक्वल. एक्स वाई जो है इट मे बी इक्वल टू ए और बी और इट मे नॉट बी इक्वल टू ए और बी. ठीक है. अब मास एक्शन क्या कहता है? मास एक्शन तो कहता है कि हमारे पास जैसे ही हमने जो जो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए हमारे पास, उसी के अकॉर्डिंग हम रेट लिख सकते हैं. रेट लॉ क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई है कि हमने लिखा एक्स और वाई है. अब डिफरेंस क्या है हमारे पास मास एक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन में? ए बी अगर सी डी लिखा हमने तो मास एक्शन के अकॉर्ड ए एंड बी ही आएगा हमारे पास. जो बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही आएगा. जबकि रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाता है हमारे पास? ये एक्स वाई इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. फॉर एग्जांपल 2NO प्लस O2 दैट फॉर्म 2NO2. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? NO का रेज टू द पावर होगी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ O2 आल्सो, है ना. रेट लॉ क्या कहता है कि दिस इज NO2 एंड O2 दिस आर सेम. इन दिस केस बोथ रेट लॉ एंड अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन बोथ आर सेम. Both the cases same value is there. But in case of another example, we can take another example. 2NO2 plus F2, 2NO2F. Rate expression according to law of mass action क्या कहेगा?
इट बिकम्स ट्वाइस एफ टू. वेयर एज रेट लॉ क्या करता है कि एनओ टू एंड एफ टू. इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन. इट इज़ नॉट द ट्वाइस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनओ टू रिएक्टेंट. सो दिस रेट लॉ जो है दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. वेयर एज लॉ ऑफ मास एक्शन जो है दैट follows only the balanced chemical equation. This is according to only the balanced chemical equation. ठीक है. Now in this case we were discussing about the NO plus O2 that forms 2NO2, right? In this case if how the rate जो है that depends upon the concentration and what with which reactant it is with which order it is related to the reactants. Each reactant. Now, in this case, you can see here in your NCERT book that this is the initial concentration. This is initial concentration. Then, these are the concentration of the reactants, that is NO and O2. Then, it forms a rate, jo hai, that is this one. When the concentration of NO is doubled, it can be measured by changing the concentration of one of the reactant and keeping the other reactant concentration constant. Now when we double it and the other reactant's concentration is fixed, remains the same, then this the reaction rate that becomes 0.348. It means you can say now it changes into this moles liter per second. What does it indicate? That the rate depends upon the square of the concentration of डबल हो गया हमारे पास स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओ. व्हेन एनओ की कॉन्सेंट्रेशन हमने कॉन्स्टेंट रखी, इसकी डबल कर दी, तब हमारे पास ये आ गया, डबल हो गया रेट. ठीक है. द रेट गेट्स डबल इंडिकेटिंग रेट डिपेंड्स अपॉन ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ टू टू द फर्स्ट पावर. ये हमारे पास स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, डबल पावर पे, और यह पे स्क्वायर पे, और दिस इज फॉर द सिंगल पावर. सो द रेट जो है दैट बिकम्स इज इक्वल टू के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओ ट्वाइस O2 molar concentration. So we can write कि dr minus जो है reactants की बात कर रहे हैं, minus dr upon the dt that forms a k is k NO twice O2, right? Other examples are जैसे chloroform and chlorine आ गया हमारे पास, carbon tetrachloride और HCl. जब इसका rate देखते हैं हम rate law expression में, experimentally जो rate हमें find out करते हैं हम, उसमें क्या है कि फर्स्ट पावर टू द क्लोरोफॉर्म एंड द हाफ पावर ऑफ क्लोरीन. इसका मतलब है कि ये डिफरेंट है. जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नजर आता है वो से हमें रेट लॉ पता नहीं चलता. एक्सपेरिमेंटली वी हैव टू फाइंड आउट द रेट लॉ. इन द सेम मैनर इथाइल एसीटेट एंड वाटर दैट फॉर्म एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड प्लस इथाइल एल्कोहल एंड द रेट इज फर्स्ट पावर टू द इथाइल एसिटेट एंड द जीरो पावर ऑफ द वाटर. जीरो पावर क्या इंडिकेट करती है कि इंडिपेंडेंट है ये. अब इसमें जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. अब इसके अंदर क्या है, इसका मतलब रेट लॉ जो है फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. दैट इज थ्योरेटिकली वी कैन नॉट फाइंड बट मस्ट बी डिटर्मिंड एक्सपेरिमेंटली. थ्योरेटिकली हम इक्वेशन देख के हमें रेट लॉ नहीं पता चलता. ठीक है. नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल रेट इक्वेशन को ही हमने ले ली एक्स एंड वाई, राइट. मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई. सम ऑफ दीज कंसेंट्रेशन पावर्स जो है इनको अगर हम सम कर देते हैं दैट गिव्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. इट मीन्स सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. इट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द दैट केमिकल रिएक्शन. एक्स प्लस वाई दैट विल गिव द ऑर्डर. ऑर्डर मे बी 0, 1, 2, 3 एंड हाफ फ्रैक्शन. इवन ए फ्रैक्शन मे बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन कि ए के जो है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए हाफ, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी 3/2. सो 3/2 प्लस हाफ दैट गिव द 2, और यहाँ पे 3/2 एंड -1, सो दैट विल गिव द हाफ ऑर्डर. अब इसके अंदर जो है वी कैन राइट सम एग्जाम्पल्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और द थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस. इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इट मींस
फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या आ जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ दिस H2O2 दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट फॉर्म्स वाटर प्लस O2. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इट मीन्स रेट विल बी इक्वल्स टू के मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2, वन पावर आएगी हमारे पास. ठीक है, वन इज रिटन नॉट रिटन. ठीक है, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नाइट्रोजन पेंटोक्साइड डिकम्पोजिशन. इसमें हमारे पास क्या बन जाता है, 4NO2+O2. सो रेट जो है दैट इज के मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटोक्साइड. इसी तरह से सल्फोनाइल क्लोराइड That gives rise to हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन. सो रेट विल बी इक्वल्स टू के मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ दिस वन. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर एग्जाम्पल H2+I2 दैट फॉर्म्स 2HI. So it means rate will be equals to K molar concentration of H2 and I2. 1 plus 1, 2 हो गया हमारे पास order. ये भी 1 हो गया, 1 हो गया, 1 plus 1, that is second order reaction आ गया हमारे पास. ठीक है, इसी तरह से इथाइल एसीटेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड that forms सोडियम एसीटेट प्लस इथाइल एल्कोहल. इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है रेट. तो क्या बन जाएगा हमारे पास, के CH3COOC2H5 मोलर कंसेंट्रेशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो इन दिस केस हमारे पास इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऑल्सो. ठीक है जी, वी विल राइट अनदर एग्जाम्पल. 2NO2 दैट गेट डीकम्पोज इंटू NO2NO+O2. सो रेट विल बिकम इक्वल्स टू के NO2 ट्वाइस. सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आके थर्ड ऑर्डर हमारे पास, थर्ड ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या आ जाएंगे इसके अंदर आ जाता है हमारे पास, इसी का ऑपोजिट आ जाएगा, दैट इज 2NO+O2 दैट फॉर्म्स 2NO2. सो रेट विल बी इक्वल्स टू के NO ट्वाइस एंड O2. सो दिस इज 2+1, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ गया हमारे पास. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए और क्या आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास आ जाता है NO+Cl2 दैट फॉर्म्स NOCl और 2NO+Cl2 दैट फॉर्म्स 2NOCl एंड रेट विल बी इक्वल्स टू के Cl2. सो थर्ड ऑर्डर आ गया हमारे पास.